दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कोई समय था जब केवल लड़कों और पुरुषों के बारे में ही सोचा जाता था कि वे एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन एक रिसर्च ने पुरुषों के प्रति इस सोच की धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो खुलासा किया गया उसकी सच्चाई जानकर कोई भी दंग रह जाएगा। चलो बताते हैं कि त्रिकोणी प्रेम में महिलाएं ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं या पुरुष। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ट्रायंगल लव अफेयर से संबंधित अध्ययन के लिए एक बड़ी संख्या में लड़कियों और स्त्रियों को शामिल किया गया तो पता चला कि 31 से अधिक लड़कियां और स्त्रियां एक ही समय में एक से ज्यादा लड़के या पुरुषों के साथ लव अफेयर या शारीरिक गतिविधियों में शामिल रहीं। दोस्तों यही अध्ययन जब लड़कों और पुरुषों पर किया गया तो पता चला कि मात्र 18% ही लड़के और पुरुष ऐसे थे जिन्होंने एक ही समय में एक से अधिक लड़की या स्त्री के साथ रिश्ते में थे। दोस्तों एक दूसरे अध्ययन में यह भी पता चला कि 22% से ज्यादा लड़कियां और स्त्रियां ऐसी भी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा लड़कों और पुरुषों के साथ प्रेम की शुरुआत की। प्रेम की शुरुआत फेसबुक ट्विटर जैसी वेबसाइटों से शुरू किया। इतना ही नहीं, अध्ययन से यह भी पता चला कि कम अर्निंग वाले लोगों की तुलना में ज्यादा कमाने वाले लोगों के रिश्तों में भटकाव और धोखा ज्यादा होता है। दोस्तों स्थिति को देखते हुए मनोचिकित्सक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लड़कों और पुरुषों की तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का प्यार के प्रति दृष्टिकोण अधिक जटिल होता है। दोस्तों वर्तमान समय में त्रिकोणीय प्रेम संबंधों के मामले में लड़कियां और स्त्रियां लड़के और पुरुषों से आगे हैं और काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।